गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई माहिरा फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल ईवीएस टीचर ऑफ क्लास थर्ड्स सो वेलकम बैक टू माय लवली स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स यू ऑल नो येस्टरडे वी हैव स्टार्टेड चैप्टर एट दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर ई में कल बच्चों हमने चैप्टर एट स्टार्ट किया था दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स को वाटर का नीड क्यों होता है पढ़ा था ना बच्चों कल हमने तो चलिए आगे भी यही हम कंटिन्यू करते हैं सो स्टूडेंट्स हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट वी आर सीइंग क्या देख रहे हैं बच्चों हम इस पिक्चर में क्या वॉच कर रहे हैं एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं हमें प्लांट्स भी शो हो रहे हैं तो बच्चों एनिमल्स और प्लांट्स को वाटर का बहुत नीड होता है वी कांट लिव विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव जैसे ही हम ह्यूमंस को वाटर के बिना हम नहीं रह सकते ऐसे ही एनिमल्स भी नहीं जीवित रह सकते सो बच्चों वी नीड वाटर टू लिव लाइक प्लांट्स एनिमल्स नीड वाटर एंड प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड टू मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट ना बच्चों देखिए इस पिक्चर में क्या शो हो रहा है कि हम अपने घर में जो प्लांट्स पौधे लगाते हैं उनको हम कैसे वाटर कर देते हैं पानी देते हैं ना ताकि वो जल्दी से ग्रो हों so we also grow plants at home and we water our plants take some seeds अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें कुछ सीड्स लेना पड़ेंगे एंड डीप इंटू सम ड्राई सॉयल और उसे ड्राई सॉयल में डीप कर देंगे एंड ऑब्जर्व द सीड्स आफ्टर अ फ्यू डेज और कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे कि द सीड है यू नोटिस दैट द सीट है नॉट ग्रोन नाउ पुट सम सीट इन मॉय सॉयल अभी तक तो हमने ड्राई सीड्स लिए थे जिससे कि कोई भी ग्रो ग्रोन अप नहीं हुए वो बड़े नहीं उतने के उतने ही रहे अब हम मॉइड सीट्स को लेकर Uh, आपका कुछ सीड्स लेकर मॉय सॉइल नमी वाली गीली मिट्टी में मिलाएंगी ना गीली मिट्टी में मिलाने से क्या होगा उस जल्दी ग्रो करेगा एंड उसमें से सीड स्टार्ट जर्मिनेशन और उसमें से बेबी प्लांट भी निकलेगा जर्मिनेटिंग मीन्स बच्चों छोटा सा बेबी प्लांट एंड योर प्लांट्स कम आउट ऑफ द सीड सीड से कम आउट होगा प्लांट्स और वो एक पौधा बन जाएगा ना सो so, बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट पिक्चर में सीड दिखाया है कि सबसे पहले हमने सीड लिया नाउ अब उस मॉइस्ट उस सीड्स को मॉइट्स मॉइस में सॉइल में मीन गीली वाली मिट्टी में हम जो है अंदर कर देंगे उसको डाल देंगे अब क्या होता है बच्चों सीड जर्मिनेटिंग सीड जो है छोटा सा एक न्यू बेबी बॉर्न प्लांट लेकर आता है फिर प्लांट हमारा यंग होता है ना एंड वो यंग होकर वो क्या बन जाता है एक बड़ा सा पौधा बन जाता है ट्री का रूप ले, ले लेता है बच्चों नाउ स्टार्ट स्टूडेंट्स अब दिखा रहे हैं कि हम जो है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स जो केवल वाटर में ही निकलते हैं लाइक लोटस वाटर एंड हेसेंथ हेसेंथ वाटर वाटर हेसेंथ भी बच्चों एक प्लांट uh, होता है इसे बोलते हैं हम एक्वेटिक प्लांट्स एंड दे ग्रो ओनली अ वाटर अब बच्चों है यू कैन सी दिस इज़ वन एक्टिविटी एंड यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी विद योर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आप सभी एक्टिविटी करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ ओके पेरेंट्स की हेल्प से देखिए बच्चों यहाँ पर टू प्लांट्स के जो हैं टू uh, प्लांट्स के पॉट है ना अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम वन पॉट प्लांट को अगर ये विदाउट वाटर बिना वाटर के थ्री डेज तक अगर हम किसी ऐसे प्लेस पर रख दें बंद प्लेस पर जो पूरी कवर्ड हो जहाँ से वेंटिलेशन ना हो हवा पानी एयर सनलाइट की किरण तो वो सूख सा जाता है मुरझा जाता है ना क्योंकि अगर हम वाटर प्लांट्स को ट्री प्लांट्स को हम वाटर नहीं देंगे या सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे प्लांट्स और जब फूड नहीं बना पाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी अभी आपने देखा था ना बच्चों कोरोना काल में जो ऑक्सीजन कितना नीड हो रहा था कितनी शॉर्टेज थी ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स तो पहले प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए वाटर एयर और सन का नीड होता है अगर हम किसी प्लांट को किसी बंद जगह पर रख दें जहाँ पर बिल्कुल भी वेंटिलेशन ना हो और हवा पानी ना मिले तो वो बिल्कुल मुरझा सा जाता है दे कांट लेव दे कांट सर्वाइव और अगर देखिए नेक्स्ट पौधे को अगर हम ओपन एरिया में रखेंगे तो वो जल्दी ग्रो करता है सो so स्टूडेंट्स आपको समझ आई ये एक्टिविटी सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये एक्टिविटी करेंगे ओके okay, बच्चों नाउ नेक्स्ट एनिमल्स नीड वाटर अभी तक हम प्लांट्स पढ़ लेते हैं बच्चों अब एनिमल्स को पढ़ते हैं कि एनिमल्स को वाटर कितना नीड होता है एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर जेबरा एंड एलिफेंट ड्रिंक वाटर फ्राम पॉन्ड इन एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स को वाटर का बहुत नीड होता है और ये कहाँ से पानी पीते हैं पॉन्ड तालाब में से जाकर पानी लेते हैं रिवर्स नदी पर में पानी नदी में जाकर पानी पीते हैं एंड लेक ठीक है एनिमल्स ऑल्सो बाथ इन वाटर एनिमल्स जो है बात भी करते हैं पानी में नहाते भी हैं यू माइट हैव सीन एन एलिफेंट इन अ पॉन्ड आपने कभी देखा है पॉन्ड में तालाब में एलिफेंट को नहाते हुए इट शार्स वाटर ऑन इट्स बॉडी विद इट्स ट्रंक एलिफेंट क्या करता है अपने ट्रंक के थ्रू वाटर लेकर अपनी बॉडी पर शावर करता है शावर मीन्स नहाता है ठीक है बच्चों एंड वाटर इज़ होम टू एनिमल्स लाइक फिश वेल एंड ऑक्टोपस कुछ uh, uh, कुछ एनिमल्स uh, ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने घर में रख लेते हैं एक्वेटिक जिन्हें हम एकवेरियम में रख सकते हैं fish है, whale है, है. These are, these are फिश है वेल है ऑक्टोपस है एंड दिज आर दीज आर दी एक्वेटिक एनिमल्स देखिए पिक्चर्स में फर्स्ट पिक्चर में फ़िश का पिक्चर है नेक्स्ट इज वेल बहुत बड़ी फिश होती है ना ही एंड ऑक्टोपस सो स्टूडेंट्स होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर ठीक है रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू टुमारो सभी बच्चे बहुत अच्छे से रीड करेंगे इसे समझेंगे कि विदाउट वाटर जो है वी कांट ले वी कांट सर्वाइव वाटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही यूजफुल है बहुत ही ज़रूरी है पानी ना तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे रीड करेंगे ओके स्टूडेंट्स वी विल मीट टुमॉरो गुड बाय स्टूडेंट्स